हम आते हैं हमारे गेस्ट की तरफ जहाँ पे आज हमारा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हमारे पूरे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की. क्या 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 चीजें हैं जो कि ठीक होने वाली हैं हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर या हमारे जॉब सिस्टम के अंदर, उस पर बात करेंगे. और आज हमारे साथ हमारे पंजाब एचईसी के चेयरमैन सितारा इम्तियाज होल्डर मौजूद हैं, डॉक्टर निजामुद्दीन. उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र. बहुत बहुत खुशाबदीद आपको जिंदगी के रंग में. आज आप हमारे पूरे पाकिस्तान के जैसे कहते हैं उस्ताद हैं, जो बनाते हैं हमारी नेशंस को, ग्रूम करते हैं. और एचईसी के बारे में भी हम बहुत से सवाल करेंगे जैसे आज का हमारा टॉपिक है. और ये जो डिग्री और जॉब का जो कंपटीशन चल रहा है, जो बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स हैं, उनके बारे में आपसे भी बात करेंगे. और हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन LSM डॉक्टर अली साजिद, जिनको हुकूमत की तरफ से तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है. उनको भी वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया. वंस अगेन जिंदगी के रंग में बहुत बहुत खुशामदीद आपको कहती हूँ. तो सर, सबसे पहले आपसे सवाल करती हूँ. जैसे कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कंपैरिजन का, डिग्री का, सो मुझे ये बताइए कि किसी भी जॉब के लिए डिग्री की क्या अहमियत है, कितना इम्पोर्टेंट है हायर एजुकेशन की डिग्री? डिग्री की जो वाकियत है, हिस्टोरिक है, हमेशा हर सोसाइटी में डिग्री को माना जाता है. कोई टर्मिनल डिग्री से होने से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है. एक ज़माने में कॉलेज में डिग्री बहुत अहम थी अमेरिका में, लेकिन ये चीज़ें बदल रही है. बिल्कुल. अब सर्टिफिकेशन पे ज़्यादा जोर है कि किसी चीज़ में सर्टिफिकेशन मिलती है आपको, वो डिग्री से ज़्यादा अहम चीज़ हो जाती है. क्योंकि सर्टिफिकेशन फोकस एक स्किल डेवलप करती है, वो फोकस स्किल किसी खास काम के लिए, जॉब के लिए. सर्टिफिकेशन जो होती है जॉब स्पेसिफिक. डू यू थिंक कि पाकिस्तान में ये सर्टिफिकेशन का सिस्टम है कि एक सर्टिफाइड, जिसे आपने कहा कि एक आपकी स्किल जो आपके अंदर मौजूद है उसका सर्टिफिकेट मिले? ये शुरू हो चुका है. पंजाब गवर्नमेंट ने कई इसके प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं. एक स्किल डेवलपमेंट फंड बनाया पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेशली फॉर डेवलपिंग स्किल्स इन मैन एंड वीमेन फॉर जॉब्स. डिग्री एक जनरिक डिग्री होती है, उसके अंदर भी सब्जेक्ट होते हैं. पहले जमाने में डिग्री होती थी एक ही चीज़. आप डिग्री के अलावा स्किल के सर्टिफिकेशन के बगैर अच्छी जॉब या प्रैक्टिकल जॉब नहीं मिलती. डिग्री होना भी ज़रूरी है. हमें स्कॉलर्स भी पैदा करने हैं, फिलोसफर भी पैदा करने हैं, हिस्टोरी भी पैदा करने हैं, लेकिन हमें साथ साथ वो भी पैदा करना है. लेकिन एक और मसला यहाँ पर आता है, कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर एजुकेशन लेके दे हैव द डिग्रीज, एक भी नहीं कई कई डिग्रीज उनके पास मौजूद है, लेकिन एट द टाइम ऑफ जॉब, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है ना यहाँ पर सिफारिश एंड पर्ची सिस्टम की चल रही होती है. सिफारिश को मैं नहीं कह सकता कि जहाँ पे आजकल और पंजाब में तो पूरा मेरिट बेस पे काम चल रहा है. हमारे जितने भी कमीशन हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ सिफारिश थी मेरिट बेस, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज भी तो नहीं है साथ में. ये बहुत बड़ा मसला आपने उठाया, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, 200 ममालिक में छठा बड़ा मुल्क है. इसकी आबादी बहुत ज्यादा है, खासकर यंग लोगों की आबादी 2/3 है. बिल्कुल. 60% हमारी यंग लोगों की आबादी है. अगर उसके लिए जॉब पैदा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास ये ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है. इस ह्यूमन रिसोर्स को हम इसमें इन्वेस्ट कर इस पर स्किल डेवलप करेंगे तो दे बिकम वेल एसेट, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, अब्रॉड के लिए भी कर सकते. तो सर, एचईसी, व्हाट इज एचईसी डूइंग इन दैट रिगार्ड फॉर, लाइक हम वी आर टॉकिंग कि हम करेंगे, बट व्हाट इज, देखिए हमारा जो एचईसी का जो फंक्शन है वो यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को इम्प्रूव करने का, लेकिन ये बियॉन्ड कॉलेजेस की बात हो रही है. स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं. पीएचईसी पंजाब हायर कमीशन ने, वो कम्युनिटी कॉलेज के बारे में है, वहाँ पे हम स्किल की डिग्री दे रहे हैं. तो जनरल बीए की डिग्री नहीं दे रहे हैं बल्कि स्पेशल स्किल डिग्री दे रहे हैं, कहते हैं एसोसिएट डिग्री इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इन फैब्रिक डिजाइनिंग पे, इन फाइन आर्ट्स के फील्ड में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में हम दे रहे हैं, और वेबसाइट डिजाइनिंग के, वेबसाइट इन नेटवर्क मैनेजमेंट. और डू यू थिंक पीपल नो दिस थिंग, क्या लोगों का इस तरफ रुझान है, उनको मालूम है कि वो ये साइड्स ले सकते हैं? लेकिन ये क्योंकि अभी बहुत कम है, अभी 4 अभी शुरू है, 5 और शुरू होने वाले, 36 और अगले साल होंगे. ये सिस्टम एजुकेशन को बदलना, स्लोली हम चाहते हैं 2 साल की जो डिग्री हो उसमें स्किल बेस्ड हो. आज की 2 साल की डिग्री है वो बीए, बीकॉम, बीएस, वो स्किल बेस्ड नहीं हो, वो नॉलेज बेस्ड है, सब्जेक्ट बेस्ड है. बिल्कुल. स्किल बेस्ड अभी नहीं है, तो हम चाहते हैं उसके स्किल बेस्ड बनाया जाए. और ये चले वो स्किल बेस्ड ले भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये कि इतना लाइफ का हिस्सा, इतना पैसा, इतनी एनर्जी पुट इन करते हैं डिग्रीज लेने में, स्किल्स लेने में, बट आफ्टर दैट दे स्टैंड नो वेयर बिकॉज दे डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई देयर स्किल्स एनीवेयर, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी. कम्युनिटी कॉलेज के जो प्रोग्राम्स हैं
دیر بیس کیونکہ ان کا لنکیج انڈسٹری کے ساتھ پہلے ہی ہو انڈسٹری کے ساتھ سول سوسائٹی کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کہ گورنمنٹ کو کیا چاہیے اگر ان کو چاہیے ہیلتھ ورکرس وی کین پروڈیوس دی ہیلتھ ورکرس ان دی کمیونٹی کالج اگر ان کو چاہیے ڈیزائنرس ویب سائٹ ڈیزائنرس ٹیکسٹائل ڈیزائنرس وہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں اس کا تعلق ڈائریکٹ ہوگا گورنمنٹ کے ساتھ سول سوسائٹی کے ساتھ اور انڈسٹری کے ساتھ بزنس کے ساتھ ہو اس لیے اس کی جاب اپرچونیٹی کی زیادہ پاسبلٹی ہے ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر علی آپ سے پوچھتی ہوں کہ جس طرح ہم لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں ایک نمبر کی گیم میں چل رہے ہیں ایک ڈگری لینے کی دوڑ میں شامل ہیں لیکن ابھی جیسے مجھے ابھی میں نے پہلا ہی میسج پڑھا ہے کہ کیا ہم ان کی کمیونیکیشن سکلز کے اوپر کام کرتے ہیں کیا ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ہاؤ ٹو بی کانفیڈنٹ ہاؤ ٹو بی کمیونیکیبل ہاؤ کین ان کی لیڈرشپ سکلز کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے یا بس وہی ایک کورس اورینٹیڈ ایک ایگزام اورینٹیڈ ایک ڈگری اورینٹیڈ پڑھائی چل رہی ہے بڑا اچھا سوال ہے اور ہماری سوسائٹی کا میرے خیال میں علمی ہے یہی ہے کہ ہم کتابی علم پہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں اور کتابیں بھی وہ کہا جائے جو 25 سال 30 سال پہلے کی ایک اور میرے خیال میں جو اصلی تقاضے ہیں عہد حاضر کے تقاضے ہیں اس میں ویلیوڈیشن سکل ویلیوڈیشن جیسے ہمارے لرنڈ پروفیسر صاحب نے بتایا وہ بڑا ضروری ہے مجھے 8-9 سال امریکہ میں پڑھنے اور پڑھانے کا موقع ملا واشنگٹن ڈی سی میں میں نے دیکھا کہ پرسنالٹی بلڈنگ میں لیڈرشپ اسٹائل پہ کمیونیکیشن اسٹائل پہ اور انٹرپرسنل اسکلس اس پہ بڑا فوکس ہے کالج یونیورسٹیز میں بالکل اور انٹرپرسنل سکلز میں موٹیویشن آ جاتا ہے آپ کا انٹرنزک موٹیویشن آ جاتی ہے آپ کی پرسنل لیڈرشپ سکلز کی افیکٹونیس آ جاتی ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں قریب ناپید ہیں لاہور میں کچھ ادارے ہیں جو اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کا لاہور میں مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا ابھی بھی ایسے حالات ہوں گے یقیناً پرسنالٹی بلڈنگ پہ بڑا کام کیا جاتا ہے کانفرنس پہ اسکل ویلیوڈیشن پہ اور جیسے پروفیسر صاحب نے ڈاکٹر نظام نے بڑا ایک آئیڈیل سولوشن دیا ہے کہ کمیونٹی کالج کے ذریعے آپ اسکل ویلیوڈیشن کریں دیٹ از دا اونلی وے ٹو الیویٹ پاورٹی ورنہ غربت کا خاتمہ نہیں ہونا ہم کاغذوں کے ہجوم میں مزید کاغذوں میں اضافہ کر رہے ہیں بالکل میرے پاس ایسے ایم فل آ رہے ہیں جو 3-3 ایم فل ہیں ان سے بات نہیں ہوتی ان کو بیٹھنے کا نہیں پتا ان کو بس بیسک مینرز اور ایٹیکیٹس نہیں تو بڑا ضروری ہے کہ ایک کمپریہنسو ایک پرسنالٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ایک اجتماعی شعور کی بیداری کے لیے کوشش کی جائے سوسائٹی میں ایک ٹارگیٹ اورینٹیڈ سکل ہو ایک ٹارگیٹ اورینٹیڈ جو ان کے پاس اگر ڈگری ہے اگر اس طرح سے کوئی بات ہے لیکن اس کے بعد وہی بات انہوں نے کہا جیسے 3-3 ایم فل آ رہے ہیں کتنی ڈگریز لی ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتا ان کو نہ کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے نہ دے آر کانفیڈنٹ اور بہت سارے ہم کس قسم کے جسے کہتے ہیں نا ایک اسٹیمپ لگا کے ایک ہی جیسے ہم ماڈلس بس نکالتے جا رہے ہیں اسکول سے ہر کوئی وہ ایک نمبر جو ہے نا اورینٹیڈ کہ جی نمبرز آنے چاہیے جی پی ایچ ہو جائے تو یہ ہو جائے اس سے آگے جاتی نہیں سوچ بالکل لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے جا کے جب یہ چیزیں یہ پریشر ہٹ جاتا ہے تو اس کے بعد جب وہ خود ایک سامنے کھڑے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے کس طرح سے بات کرنی ہے ناظرین ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہم سب کے لیے ہمارے پاکستان کے جو یوتھ ہے جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے لیے بہت بڑا المیہ بھی ہے بہت بڑا کوشچن مارک بھی ہے پہلے ڈگریز پھر کمیونیکیشن اس کے بعد جابس کا جو ایشو جو فقدان ہے یہاں پر اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور باتیں کرتے رہیں گے آپ ہمارے فیس بک پیج پہ میسج بھی دے سکتے ہیں اور ہمیں کال کر کے ہمارے لائیو شو کا حصہ بھی بن سکتا ہے یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک سو کہیں میں جائے گا جس سٹے ٹیون جی زندگی کے رنگ میں ویلکم بیک ناظرین ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں ہائر ایجوکیشن لیول اور ڈگریز اور ساتھ میں ان کا کمپیریزن جو ہے ود دا جابز جو کہ جاب اویلیبلٹیز ہمیں نہیں ہے اور ڈاکٹر ابھی ہمیں نظام سے بڑی اچھی انہوں نے بات کی تھی کہ ڈگریز کے ساتھ ساتھ اب جو ہے سرٹیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں یعنی ایک آپ کے اندر جو اسپیسیفک اسکلز ہیں اس کی آپ کو سرٹیفیکیشن مل رہی ہے سو کس طرح سے لوگ اس کے لیے اویئر ہیں کس طرح اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلوں اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے آپ لوگ ہمیں کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں ہماری لائیو کال کا حصہ بن سکتے ہیں جو سوال آپ کو پنچ کرتا ہے جو پرابلم جو ایشوز آپ کو آ رہے ہیں آپ کے ارد گرد آ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن سسٹم کے اندر یا پھر ایون تھرو آؤٹ بیسک اسکول سے اگر آپ اسٹارٹ کریں تو آگے جا کر آپ یہ آپس کی جو کمیونیکیشنز ہیں آپ کی جو پرسنالٹی بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ابھی ہم یہ سرٹیفیکیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سے اسپیسیفک فیلڈز ہیں جن میں اویلیبل ہیں یا کن لوگوں تک یہ پہنچتی ہیں کون ہے جو اس کو اپروچ کر کے پتہ کر سکتے دیکھیے پاکستان کا نظام تعلیم جو ہے نا دو حصوں میں ایک جنرل ایجوکیشن ہے اور ایک پروفیشنل ٹیکنیکل ایجوکیشن میڈیکل ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں ان کی کچھ جاب اسپیسیفک ٹریننگ ہوتی ہے بالکل جنرل ایجوکیشن ہو رہی ہے جس میں بی اے بی کام بی ایس سی ایم اے وہ جنرل ایجوکیشن ہے ان کے لیے جب تک وہ صرف ٹیچنگ میں جا سکتے ہیں
उसके लिए उनको टीचिंग के लिए सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि हम अच्छे गुड टीचर कैसे बन सकते हैं. जिनके पास अच्छे टीचर की सर्टिफिकेशन है उनको जॉब मिलना ज़्यादा आसान है. प्राइवेट सेक्टर वाले मांगते हैं कि आपने क्या सर्टिफिकेशन किया डिग्री के अलावा. सो आपने कहा प्राइवेट सेक्टर वाले सर्टिफिकेशन मांगते हैं. सो व्हेन इन स्पेसिफिक किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं? जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है या बिजनेस इंडस्ट्री, उनके पास स्किल्स चाहिए. वो स्किल्स हमें जनरल एजुकेशन में नहीं मिलती, वो टेक्नोलॉजी में एजुकेशन चाहिए. वहाँ पे हमारे पास काफी काम हो रहा है लेकिन अभी तक वो काम नहीं हो रहा स्पेसिफिकली टेलर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पाकिस्तान इंडस्ट्री और टेलर टू द इंटरनेशनल मार्केट. तो हमें वो फील्ड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. मतलब एक मिसाल देता हूँ, होटल मैनेजमेंट एक रिक्वायरमेंट एक फील्ड है जो बाहर भी जरूरत है यहाँ भी जरूरत. उसकी डिग्री अभी तक हमने सर्टिफिकेशन हमने बहुत की नहीं. पब्लिक सेक्टर में हमने जब गुजरात यूनिवर्सिटी में थे हमने डिग्री प्रोग्राम शुरू किया था एसोसिएट डिग्री फॉर टू ईयर्स होटल मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट. वो हमारे पास 25 स्टूडेंट होते थे, पूरे 25 हमेशा एम्प्लॉय हो जाते. वो चीज़ें हम चाहिए हर जगह मौजूद हों. इस तरह के हमारे पास टेक्नोलॉजी के फील्ड में से हैं जो मार्केट. दिस इज व्हाट वी आर द हायर एजुकेशन सिस्टम इज प्लानिंग टू डू. तो मुझे ये बताया कि जब आप किसी जब एक स्टूडेंट एक जब न्यूली ग्रेजुएट जो है कहीं पे जॉब अप्लाई करने जाता है, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स बाय द कंपनीज बाय जिस पर उन्हें जाना है चाहिए क्या उसको. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं उनको जॉब उन डिग्री के बराबर नहीं मिलती क्योंकि डिग्री के बराबर की जॉब है नहीं. वो कहीं कहीं थोड़ी बहुत जॉब होती मैनेजमेंट स्किल में, वो डिपेंड करती है पर्सनालिटी पे, वो डिपेंड करती है आपके और स्किल क्या है डिग्री के अलावा. बिल्कुल. तो एम्प्लॉयर ये देखता है कि क्या ये लड़के के पास या लड़की के पास वो स्किल्स हैं कि इस जॉब में आकर इसको आगे ग्रो कर सकती है. बिल्कुल. डिग्री पे नहीं जाएंगे, वो पर्सनालिटी स्किल में जाएंगे. तो यहाँ पर आपने कहा कि डिग्री की कोई हैसियत नहीं है, एट द टाइम ऑफ जॉब कोई वैल्यू नहीं है. बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करती है लेकिन उसके अलावा आपको स्किल सीखने पड़ेंगे. वो स्किल वो है जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया. बिल्कुल. जो तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि डिग्री यहाँ पर खत्म हो जाती है जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी आती है मैनेजमेंट स्किल, आपके अंदर जो क्वालिटीज मौजूद हैं. सो क्या इसके ऊपर हो रहा है? अब आजकल हम देखें तो बहुत कॉमन, अभी रिसेंटली भी हमने एग्जाम्पल देखी है नंबर गेम के पीछे के, अगर आपके इतने छोटे से लेवल के ऊपर भी नंबर्स नहीं आए तो सुसाइड तक पहुंच चुका है. यानी बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि कोई कम्युनिकेशन, कोई लीडरशिप, कोई पर्सनैलिटी बिल्डिंग नहीं बताई जाती. सिर्फ एक जो है ना नंबर गेम चल रही है, एग्जाम देना है, पढ़ना है, ये करना है, नहीं हो रहा तो इतना प्रेशर है कि सुसाइड तक जा पहुंच रहे बच्चे. तो ये क्यों है, इसका फुकदान क्या है? क्या टीचर्स को जब आप लोग करते हैं अपने हायर करते हैं अपने स्कूल में कॉलेजेस में तो उनमें ये स्किल देखते हैं कि जो वो पढ़ के आए क्या वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कि उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हैं, कहीं पे ये सिलेक्शन हो रहा है? मैं इसमें कमेंट देना चाहूंगा, वेस्ट और जापान और नॉर्थ अमेरिका के मॉडल में ग्रेजुएट पैदा नहीं करते, वो लीडर्स पैदा करते हैं, पर्सनैलिटी को उठाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक डेलिब्रेट इंटरवेंशन होती है जिसका नाम है कैंपस लाइफ. कैंपस लाइफ में इतना स्ट्रांग इंटरवीन होता है इदारे का, यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज का, स्ट्रेटजीज का, कि जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसमें एक एतमाद होता है, उसके चाल ढाल में, उसके नशस्त बर्खास्त में एक नयापन होता है और एतमाद उसका बरमला इजहार हो रहा होता है. उसके साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 4 से 5 ग्लोबल सर्टिफिकेशन है जिसमें हमारे बच्चों को जॉब मिल जाती है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन है PMP, उस पर मिडिल ईस्ट में जॉब मिल जाती है. माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है, क्वालिटी की सर्टिफिकेशन है, उसके बाद ओरिकल और सिस्को की सर्टिफिकेशन है. मैं सब यंग बच प्रोफेशनल्स को इनकरेज करूंगा कि इंटरनेट बेस्ड सर्टिफिकेशन है कि प्राइस 100 से $500 है. आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन के साथ, टेक्निकल एजुकेशन के साथ इसको सपोर्ट करें और आपकी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बहुत इंक्रीज होंगे. और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड है जैसे डॉक्टर निजाम ने निशानदेही की. और लेकिन अब उसके बाद फिर यही आता है कि व्हेन दे आर गेटिंग ऑल दीज डिग्रीज तो उनको जॉब मिल जाती है अब्रॉड. पाकिस्तान किधर जाएगा? पाकिस्तान इज नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग कि हम लोगों के पास भी वो ब्रेन्स आए कि आके पाकिस्तान के लिए काम करें. बाहर के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, दे गुड इनफ, वो जाएं और जाके दुनिया भर में फ्लरिश करें. पाकिस्तान किधर जा रहे? इट्स लाइंग नोवेयर. आज के ग्लोबल वर्ल्ड में पाकिस्तान, मैंने कहा ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, 6th लार्जेस्ट कंट्री. पाकिस्तान के मेजर एसेट इसकी यूथ है. तो जिस तरह लोगों के पास ऑयल है, किसी के पास मिनरल, हमारे पास यूथ है. लेकिन हम लोग अपने यूथ को, इन्वेस्ट करके ट्रेन करके हम बाहर भी भेज सकते हैं, यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वहां इतनी जॉब नहीं पैदा हो सकती कि आप सबको जॉब दे दें, तो कुछ जॉब क्रिएट कर सकते हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस, और बाहर जाकर आपको रेमिटेंस जैसे हो रहा है रेमिटेंस कर. लेकिन अगर स्किल लेवल फोर्स भेजेंगे आपकी रेमिटेंस ज्यादा होगी और आपके स्किल फोर्स की एम्प्लॉयबिलिटी आगे बढ़ जाएगी. तो हमें आदमी जी करना है, हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ओवरऑल करना पड़ेगा, सिलेबस करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा, तो उसको कम से कम
किस हद तक ला सकते हैं, मार्केट ओरिएंटेड हिसाब से लाया जाए। चेंज करना पड़ेगा, सो हु इज गोइंग टू चेंज इट एंड व्हेन? गवर्नमेंट कर रही है, कुछ पॉलिसी में चेंज आ रहा है, लेकिन फुल्ली अभी तक चेंज नहीं आया, मैं मानता हूँ, लेकिन पंजाब में काफी काम हो चुका है इस पर, हो रहा अभी भी, कि सिलेबस करिकुलम को चेंज करने की बात हो रही है, स्कूल वालों ने काफी चेंज कर दिया है, अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी चेंज होने वाला है। अच्छा, वी हैव अ फेसबुक मैसेज है जहाँ पर हमारे पास रेहान का मैसेज है और वो यही बात कर रहे हैं कि जब हम लोग पाकिस्तान में हम जॉब हासिल करने जाते हैं या पाकिस्तानी जो तालीमी सिस्टम है उनका, उसकी डिग्री और बाहर की जो डिग्री होती है दोनों में कितनी को प्रेफरेंस दी जाती है? बेशक सेम चीज की डिग्री हो लेकिन एक पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट से हासिल की गई और एक बंदा बाहर से करके आया, सो जिसके पास जितने वसाइल जितने होते हैं वो उसी में कर सकता है ना, लेकिन पाकिस्तान वाले को क्या उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? जब तक बाहर की डिग्री का रेलेवेंस हो किसी सब्जेक्ट से तो उनको ज्यादा दी जाती है, वैल्यू ज्यादा होती है अगर रेलेवेंट डिग्री हो। बाहर डिग्री दोनों बराबर ही है, अगर एमबीए बीबीए की बात करते हैं, अनलेस किसमें स्पेशलाइज ना करें आप किसी खास स्किल में, मार्केटिंग में या रिसर्च में, तो हो सकता है कि बाहर की डिग्री, वो भी अगर अच्छी क्वालिटी की, रैंकिंग किसकी है? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर यही मसला आता है ना कि पाकिस्तान की डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है कि उसके सामने को बाहर की डिग्री आती है तो उसको नेल कर दिया जाता है उसके इफेक्ट को। एनी वे वी हैव अ कॉलर है यहाँ पे, उनसे बात करते हैं फिर वापस इस सवाल पे आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप और आप हमारे गेस्ट से बात करना चाहेंगे? जी 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 वो सुन रहे हैं। मेरा गुजारिश यह है कि ये प्लाजा में आजकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, नीचे शॉपिंग होती है, ऊपर क्लासेस है, ये कैसा इन्होंने कैसा निजाम है? ये रावलपिंडी में भी है, इस्लामाबाद में भी है, प्लाजा में। ठीक है, आपको सवाल समझ में आया? अच्छा, क्या आप प्लीज सवाल रिपीट? मैंने पिछली दफा भी डॉक्टर अली साजिद साहब से ये गुजारिश की थी कि पूरे पाकिस्तान में एक निजाम तालीम नहीं हो सकता। ठीक, पूरे पाकिस्तान में जैसे इंडिया में है वहां पर कोई ए और ओ लेवल नहीं है। ठीक है, इस ग्लोबल वर्ल्ड में कोई एक चीज एक यूनिटी नहीं हो सकती, इसमें वेरिएशन आएगी, वेरिएशन से फायदे होते हैं नुकसान नहीं होते, प्लूरलिज्म में फायदे होते हैं नुकसान नहीं, वेरिएशन होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी स्कूल सिलेबस में हो सकती, करिकुलम हो सकती, लेकिन अगर उसके बाद बेसिक एजुकेशन के बाद आपको और चीजें लानी पड़ेंगी, दुनिया में ग्लोबल कंपटीशन करना पड़ेगा, अपने आपके बेसिक एजुकेशन स्कूल सिस्टम में तो सिलेबस एक हो सकता है, दुनिया भर में ऐसा होता है, लेकिन वो स्कूल सिस्टम होता बेसिक जो है बेसिक एजुकेशन फंडामेंटल को इतना अच्छा इतना हायर लेवल का कर दिया जाए। इसी के साथ ही रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं फिर ये पूछूं कि क्या जो हमारे यहाँ पे बेसिक मैट्रिकुलेशन होती है, तो क्या मैट्रिक की डिग्री की इतनी वैल्यू है, इतनी आज के दौर में क्या रह गई है? क्योंकि पहले तो चले ये था ही नहीं ना, लिटरेसी के लेवल है बस, उसकी वैल्यू के पढ़ना पढ़ा लिखा है बस, लिखना पढ़ना जानता है, उससे आगे उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं। हालांकि होनी चाहिए कि 10 साल अगर लड़का पढ़ रहा है, 10वें ग्रेड में पास हो रहा है, उसको स्किल आनी चाहिए, लेकिन सिस्टम ऐसा बनाया हुआ हमारे सिलेबस करिकुलम वो स्किल नहीं डेवलप कर रहा। सो हु इज देयर कि इस चीज को, यानी आप बजाय इसके कि उसके अंदर दूसरे सिस्टम्स ले आए, आप अपने मैट्रिकुलेशन सिस्टम को ही ऊपर लेके जाएं कि हमारे लिए हमारी पहचान हमारा प्राइड वो बने और हम कहते हैं कि उसको दबाते जा रहे हैं उसको। इस मामले में पंजाब गवर्नमेंट ने काफी काम किया, स्कूल में बहुत डेवलपमेंट की है, करिकुलम भी बदला है, टीचर्स भी बदले, इस वक्त 3 लाख टीचरों ने रखे हैं लास्ट 2000, 3 लाख टीचर्स, उनकी ट्रेनिंग भी हो रही और मैथमेटिक्स और साइंस की एजुकेशन को प्रमोट, लेकिन अभी नंबर कम है, अभी ट्रेनिंग उनकी कम है, उनकी और ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी, स्कूल में मैथ के लैब बनाने पड़ेंगे। इसी चीज पे मैं भी बात कंटिन्यू करती हूँ। हुमा जावेद बात कर रही है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम, बहुत अच्छा टॉपिक। मैं डॉक्टर साहब से ये बात करना चाहूंगी कि इस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है ना, कि हुकूमत का भी तो फर्ज है ना कि तालीमी सहूलतें लोगों को मुहैया जब करती है तो फिर जॉब्स वगैरह भी होना चाहिए, तो हुकूमत क्या इस सिलसिले में कर रही है, आप लोगों की क्या हेल्प करती है हुकूमत? ठीक है, थैंक यू सो मच हुमा फॉर कॉलिंग एचईसी। हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के रेफरेंस से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो हमने यहाँ पे बात की, सबसे पहले तो हुमा की बात पे अगर हम एक दफा कर लें। देखिए, हुकूमत सबसे बड़ा काम ये कर रही है, पंजाब की हुकूमत एक बनाया उन्होंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, जिसके थ्रू प्राइवेट स्कूल्स को फंडिंग करती, प्राइवेट स्कूल अपने खोलें पर स्टूडेंट को पैसे मिलते हैं, तो इस लिहाज से मैंने बहुत से स्कूल चलाए पंजाब में जो प्राइवेट है, को 500 से ज्यादा हमारे पास ऐसी लड़कियां हैं, वो गांव में रहती हैं, एक लड़की है वो अपने घर में स्कूल चला रही है। ये इसलिए किया गया कि प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन मामला फिर भी समझने वाली बात है कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन हमारी है, पंजाब की पॉपुलेशन 110 मिलियन है, सिर्फ पंजाब की, जो दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है या 8वां बड़ा मुल्क है, तो ये आबादी के लिहाज से हमारी जितनी आबादी तेजी से बढ़ रही है उस स्पीड से स्कूल सिस्टम नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों में काफी पंजाब में
स्कूल एजुकेशन में काफी तरक्की हुई है, काफी स्कूल बढ़े, 3 लाख टीचर अप्रूव, पहले कभी जिंदगी में नहीं, हिस्ट्री में नहीं हुआ पाकिस्तान पंजाब के। लेकिन क्योंकि अब तो दुनिया भी इतनी आगे जा रही है, इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है, और फिर वही बात आती है कि हम लोगों का या तो अगर जो हमारा बेसिक मेट्रिकुलेशन सिस्टम है उसको हम उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसके साथ साथ फी सिस्टम नहीं, हमारे स्कूल सिस्टम में फीस नहीं है, इतना हायर जा रहा है कि हर कोई नॉर्मल मीडियोकर घराने में अगर 3, 4, 5 बच्चे भी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में लोग ज्यादातर जाते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैडम पब्लिक सेक्टर में ज्यादा स्कूल में जा रहे हैं बच्चे और उसकी फीस नहीं, सेक्टर में लोग जा रहे हैं लेकिन उसका स्टैंडर्ड नहीं है, फीस उसमें कम है। हाँ, वहाँ पे साइंस और मैथ के एजुकेशन के लिए आजकल बड़ा जोर है, उस पर हम पूरा एक प्रोग्राम बना चुके हैं कि हर स्कूल में साइंस और मैथमेटिक एजुकेशन को प्रमोट किया जाए ताकि बच्चों को पहले से ही, वही तो सवाल मतलब मसला है, जहाँ फी नहीं है वहाँ स्टैंडर्ड नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, और जहाँ पर जहाँ पढ़ाई है वो उसकी फी इतनी ज्यादा है कि हर आम आवाम अप्रोच ही नहीं कर सकती। जिसके घर में एक नॉर्मल मीडियोकर बंदा हो, महीने का आप कैसे देंगे किसी बच्चे का 50,000, आपके घर में चार बच्चे भी हैं तो लाखों में किस तरह फी दें, इसीलिए बच्चे कम पैदा होने चाहिए। और ये तो बिल्कुल ऑपोजिट सवाल में आ गया ना कि हम लोग अपनी पॉपुलेशन को खत्म करते हैं क्योंकि हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं पढ़ा सकते। सुधार, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि क्यों, कहां से आएगा, कौन सा इंसेंटिव मिलेगा हमारी गवर्नमेंट को हमारी आवाम के लिए कि उनकी पढ़ाई का सिस्टम इम्प्रूव करें और साथ साथ चेक एंड बैलेंस रखें उसकी प्राइस के ऊपर भी। मेरा उसके साथ मैंने अफ्रीका में काम किया था, अफ्रीका में स्कूल सिस्टम को चलाने में वहां के माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है, पेरेंट टीचर्स अफ्रीकन स्कूल को चलाते हैं, वो आके उनकी गवर्नेंस भी करते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं, सफाई भी करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, किताबें ब्लैक बोर्ड्स वहाँ के पेरेंट्स लाके देते हैं, बिकॉज अफ्रीकन गवर्नमेंट तनख्वाह दे सकती टीचर की और चीज़ें नहीं कर सकती, तो वहाँ सिस्टम चल रहा। और आप देखें तंजानिया, केनिया, नाइजीरिया चल रहा है क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के लोग कहाँ जाएं, किसके पास दुहाई लेकर जाएंगे, इसको ये कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट तो कर रही है और गवर्नमेंट और भी ज्यादा करना चाहिए, लेकिन आवाम को भी साथ देना पड़ेगा, जब तक आवाम इसमें शामिल नहीं होंगे पेरेंट्स ये आगे बात नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास फैसलाबाद से इशरत बात करिए जो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी इशरत, कैसी हैं आप, आपको शो कैसा लग रहा है? हाँ जी बेटे, बहुत अच्छा शो है, मैं पहले भी देखती हूँ आपका शो, लेकिन आपसे बात ये करनी थी कि मेरी बेटी ने MSc साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी की है, ठीक है, तो अब साल हो गया वो बिल्कुल फारिग बैठी हुई है, ना कहीं पे उसको जॉब मिल रही है ना कुछ और, तो जाहिर है बच्चे घर में बैठे फिर परेशान हो जाते हैं, नफसियाती हो जाते हैं, इस वजह से मुझे बहुत टेंशन है। जिस यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई किया था लेकिन उन्होंने कहा कि 3 माह मतलब अगर आपने कहीं नंबर भी उसका आ गया, दाखिले का भी हो गया, उन्होंने कहा कि आपने आगे वो जॉब नहीं की हुई ना इसलिए हम आपको आगे दाखिला नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल, तो जैसे परेशान हूँ, कहीं रास्ता करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए इशरत साहिबा, हम लोग इसी बात पे भी बात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हर डॉटर शी इज ग्रेजुएटेड, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन उन्होंने आगे कहीं जॉब नहीं मिलती, उनको पूरे साल हो चुका है, डिग्री है, जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अगर फिर आगे पढ़ना चाहें तो वो कहते हैं क्योंकि आपके पास कोई कम्युनिकेशन, आपने एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए वो भी नहीं मिलेगा। अब देखें ना, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा केस है, यहाँ पे ये देखा गया है कि जो लोगों ने इसके अलावा डिग्री लेने के अलावा एक क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री भी होती है, जिसकी वो भी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, उससे जॉब बहुत सी जगह पर हॉस्पिटल में, स्कूल्स में मिल जाती है, लेकिन कितनी जॉब क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रेजुएट बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, वो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में आई नहीं, तो लिहाजा दे हैव टू फाइंड अ वे डू समथिंग एल्स, गो आउटसाइड और स्टार्ट अ स्कूल, स्टार्ट अ क्लिनिकल सर्विस, जिस तरह और क्लिनिकल सर्विस लोग करते हैं, काउंसलिंग। लेकिन ये नहीं जब कि सिर्फ जॉब ही करेंगे, जॉब क्रिएट करने की कोशिश करें ना कुछ, तो अपॉर्चुनिटी आपको देखनी पड़ेगी, इसके लिए मैं मानता हूं कि काउंसलिंग होनी चाहिए थे पहले, वो नहीं हुई। अब हमने पंजाब कमीशन की तरफ से 20 काउंसलिंग सेंटर खोले हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, अब उसको 50 करने वाले, यानी आप कह रहे हैं वहाँ पे काउंसलिंग पहले से दी जाएगी, आप क्या क्या, अच्छा यही आपने सवाल किया कि अब उनको इसके बाद उन्होंने ले तो ली डिग्री लेकिन अब कहाँ जाना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, और जिस तरह से वो परेशान थी हमारी कॉलर, अब वो पूछ रही है कि वो कहाँ रابطہ करे उसके बाद, होनी चाहिए पहले क्या आपका, अब कोई सोल्यूशन है कि वो कहीं किसी डिपार्टमेंट से, किसी हायर एजुकेशन पर्सनैलिटी पर्सोना या डिपार्टमेंट से رابطہ कर सके, कोई ऐसा رابطہ का जरिया कि, अब हमारे पास पंजाब हाई कमीशन का वेबसाइट है, ठीक है, इसके बारे में अभी हम ब्रेक पे चल जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आके हम बताते हैं कि ऐसे नौजवान जिनके पास
डिग्री है बट जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो कहाँ राबता कर सकते हैं, कहाँ से उनको ये न्यू आइडियाज मिलेंगे कि वो डॉक्टर निजाम जिस तरह भी कह रहे थे कि फिर वो सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं, सो वो कहाँ से किस तरह क्या पॉसिबल है, क्या राबते का जरिया, उसके बारे में बात करेंगे। सुना जिनका हिम्मत जाएगा जो स्टे ट्यून्ड। जी नाजीन, जिंदगी के रंग में वेलकम बैक। और बड़ा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक चल रहा है, और जाने से पहले हमारे पास जो कॉलर मौजूद थी, जो कि एक ब्लाइंड एंड होता है कभी कभी सिलेक्शन के अंदर, यहीं पे बाद लैग आ जाता है कि आपको वो काउंसलिंग नहीं दी जाती एट द टाइम जब आप एक ग्रेजुएट करके स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सो कौन सी फील्ड को चूज करना चाहिए, वहां पे कोई काउंसलिंग नहीं है, वहां पे कोई सिलेक्शन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसी तरह से जो पास आउट कर देते हैं, जैसे कि मेरी वो बहन एक साल से कहती है कि घर पर बैठी है, कहीं जॉब नहीं मिलती, आगे यूनिवर्सिटी में उनको हायर एजुकेशन के लिए नहीं मिलती कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो ऐसे में कहां जाया जाए? अव्वल तो ये बहुत सही कहा डॉक्टर निजाम ने कि सिलेक्शन पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन अब जिस तरह अगर कोई लोग इस तरह से स्टक हो गए हैं, सो व्हाट स्टेप नेक्स्ट, किससे राबता करें, कहां जाएं? उसके लिए जब तक खुद सर्च नहीं करेंगे, आजकल हर चीज नेट पर मौजूद होती है, जैसे इनका इंस्टीट्यूट है और ट्रेनिंग हो रही, सर्टिफिकेशन भी हो रही, मुख्तलिफ साइकोलॉजी के अलावा छह हफ्ते का 3 महीने का कोर्स होता है, देखा जाए कहाँ पे जॉब किस किसम मौजूद। लोग अखबार भी नहीं पढ़ते, रिसाले पढ़ते हैं, इस बारे में उनको ओरिएंटेशन अवेयरनेस देगा कौन? मैं इस पे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि मैं खुद एक पीएचडी प्रोफेसर हूं और मैं एक नौकरी नहीं कर रहा, 40-50 बंदों को नौकरियां दे रहा हूं। तो मुझे अल्लामा इकबाल का एक मिसरा याद आता है कि अपनी दुनिया आप पैदा करें अगर जिंदों में। इस खातून को, इस मोहतरमा को मैं गुजारिश करूंगा कि स्टार्ट इंटर्नशिप से करें, हैंड्स ऑन तजर्बा लें, छोटी छोटी सर्टिफिकेशन होती है, हाइपनोसिस की, क्लिनिकल साइकोलॉजी के डिप्लोमे लें और अपना क्लिनिक खोलें, अपने मोहल्ले से स्टार्ट करें। हर तीसरे घर में पाकिस्तान में मसले हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 44% आबादी इस वक्त डायरेक्टली, इंडायरेक्टली, पार्शली, जुज़वी तौर पे ज़हनी मसाइल का शिकार है। तो हाँ, इस तरह की खवातीन बच्चों को मदद करें और उनकी जिंदगी को उठाएं, और छोटी छोटी सर्टिफिकेशन, नेट बेस्ड सर्टिफिकेशन भी हो रही है इस वक्त, आप पेपॉल से पैसे दें, क्रेडिट कार्ड से पैसे दें और आप सर्टिफिकेशन लें और आपका हैंड्स ऑन स्किल बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो वो रवायती जमाने सरकार से शिकवे इनको थोड़ दें, बूतों को थोड़े आप आगे निकले। तो आपके जैसे जहां पे माशाल्लाह मेंटर्स, जहां पे टीचर मौजूद हों, तो वही बात आती है कि अवेयरनेस लोगों तक ये पहुंचे कैसे, किस तरह वो अप्रोच करें किसी को कि आगे जाके उनकी हेल्प करें और उनको गाइड करें। आपका जो प्रोग्राम है बड़ा अच्छा, ये भी अवेयरनेस पैदा कर रहा है। बिल्कुल, हमारा तो मकसद ये होता है कि हम लोग पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे सकें जो लोगों को जहां जहां जो प्रॉब्लम्स है, हर तरह का हम लोग टॉपिक रखते हैं। सो इन स्पेसिफिक कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे बच्चे को सबसे पहले वहां पर, जैसे कहते हैं ना कि अपनी काउंसलिंग अवेयरनेस के लिए वहां पे हिट करना? आजकल हर किस्म के प्रोग्राम के वेबसाइट बनी हुई है और यूट्यूब पे फिल्में हैं, नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, लेकिन लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल सर्च करना पड़ेगा। जस्ट स्प्रेड इट लाइक अ वर्ड। इंपॉर्टेंट चीज है कि दे हैव टू गेट आउट, टू डू समथिंग आउटसाइड होम, चाहे स्कूल में जाके पढ़ाएं, वॉलंटरी काम करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, उसके साथ साथ सर्च करते जाएं। मानता हूं कि डिफिकल्टी, क्योंकि नंबर ज्यादा है, बिल्कुल हमारे ग्रेजुएट बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल जॉब्स कम है, उनके जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी रोल प्ले करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हैज़ टू सी की, इसीलिए गवर्नमेंट ने किया है कि पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड जो बनाया गया, इसलिए बनाया गया था कि उनको शॉर्ट ट्रेनिंग दी जाए, एम्प्लॉयबल बनाया जाए, इसके लिए काफी काम हो रहा है, लेकिन वो काम उन लोगों के लिए हो रहा है जो डिग्री होल्डर नहीं है। बिल्कुल, डिग्री होल्डर के लिए मैं इनसे बात कर रहा हूँ, उनके फंड के जो मैनेजर हैं। वी आर टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट डॉक्टर साहब, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। जैसे कि उन मदर ने कहा, हमारे पास अभी लाहौर से अबू बकर भी बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि डिग्री होने के बावजूद जॉब ना मिलना का जो फिदान है वो तो एक हकीकत है, लेकिन मेरे मुताबिक जो बच्चों को कोई गाइडेंस ही नहीं है कि उसने अपनी प्रोफेशन को मतलब के कैसे चूज करना है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, तो मेरी क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 60 के 60 वही करना चाहते हैं जो जिस डिपार्टमेंट से वो बिलोंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी एक है कि कोई गाइडेंस नहीं है। टीचर्स का भी मैं कहूंगा कि टीचर्स भी इस मामले में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, मतलब कोई मैथ का टीचर है तो वो आगे मैथ पे आगे चला जाता है। इसके अलावा भी टीचर्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि बच्चे को मतलब पॉलिश करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास ये फैसिलिटी हो क्या, मतलब कुछ भी। तो ये नाउमीदी का एक जो एक मौसम है ना, वो बच्चों पर मतलब एक मंडलाता रहता है। सही।
बिल्कुल सही बिल्कुल कहा अब बकर साहब आपने. मैं कहती हूँ मेरा जो पूरा शो था ना उसका एक्सट्रैक्ट आपने बात किया है, हर वो बात की है जो हमने पूरे शो में अभी बात कर रहे थे. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी डॉक्टर अली. मैं इस पे कमेंट दूंगा, टीचर का सिर्फ एक ही रोल है मेरे नजदीक, पढ़ाना तो ठीक है, वो है उम्मीद फैलाना, स्प्रेड होप, क्रिएट होप, जनरेट होप, इनकलकेट होप एंड प्रोड्यूस होप. बच्चों में जब उम्मीद फैलाते हैं आप हौसला अफजाई के जरिए इनकरेजमेंट से, तो हर बच्चे में पोटेंशियल है, इफ नॉट न्यूटन और आइंस्टाइन के कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज कर सके. लम्या ने यूनिक क्रिएशन बनाया है. ये अल्लाह ताला ने सिर्फ टीचर को फैजान दिया है कि इसके इसके जरिए वो दुनिया को चेंज करता है. अमेरिका की चेंज में यूनिवर्सिटी टीचर का रोल था और है, उनकी तख्लीकी कुव्वत को बढ़ाते हैं, उनके ख्यालात में नयापन देते हैं, उनको हौसला देते हैं और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जरूर उठाते हैं. ये वेस्ट का मॉडल इस वक्त हमारा जरूरी है. टीचर आए ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिख के चला जाए, ये पुराने जमाने में था 1950 में. अब टीचर का सिर्फ एक काम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, लीडरशिप स्टाइल में कॉन्फिडेंस का अहिया, उसके शोर में बेदारी, रिस्क टेकिंग, ये सारी चीजें टीचर का काम है. अगर टीचर ये नहीं कर रहा तो आई एम अफ्रेड टू से ही इज नॉट डूइंग जस्टिस विद द जॉब. ये तो बात हम लोग एडमिट करते हैं, लेकिन मसला वहीं आता है जहां के गवर्नमेंट के लोग हम लोग बात करें कि वो आगे जॉब के लिए वो करें. क्या इंस्टीट्यूट्स ऐसे टीचर्स हायर कर रहे हैं जो कि उनकी ये स्किल देखकर उनको अपने हायर करें और उसके बाद बच्चों के लिए साथ साथ देखें, साथ साथ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. बिकॉज इफ उन्होंने वही एक स्टैंडर्ड किताबें पढ़ी हैं 30 साल पहले और क्या अब वो लेटेस्ट नॉलेज के साथ अपग्रेडेड हैं, उनके साथ कोई एग्जाम सिस्टम होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक कि ये जो है इंस्टीट्यूट्स को साथ साथ रहना चाहिए. मैंने पहले भी कहा था कि करिकुलम में डेवलपमेंट होना जरूरी, रिफॉर्म होना जरूरी है. करिकुलम हमारे बहुत सारे आउटडेटेड है, उस पर नए स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है, क्योंकि जब अगर नहीं हो रहा था तो उसके बाद हमें चाहिए स्किल का कोर्स करें. बिल्कुल होना चाहिए जी. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप दोनों का कि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे कॉलर्स भी दे वेरी सेंसिबल. जो हमें मैसेजेस आए, जो हमारे कॉलर्स आए, दे ऑल वॉन्ट्स द सिस्टम टू बी इम्प्रूव एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड हमारा किचन डिश आउट हो चुका है, हमारे दम कबाब आप देख रहे हैं और साथ में लस्सी जो है सर्व्ड है एंड इट लुक्स वेरी डिलिशियस एंड टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव. सो नाजरीन यहां पर इसी के साथ इजाजत चाहती हूं. अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी सर्टन टॉपिक पे हम लोग बात करें, कोई ऐसी बात जो कि आपको लगता है कि आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो जरूर हमारे फेसबुक के ऊपर कमेंट कीजिए या हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर. सो यहां से इजाजत चाहती हूं. हम सबको इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नए दिन नए टॉपिक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.